soon, satin grey, Mark X coming soon. ये वैसे महंगे वाला है, obviously महंगी गाड़ी है तो ये महंगा ही कराया होगा भाई ने, यार जरा दूर रखो ब्रदर, शुक ना जाए. लेकिन I hope so कि इसके करीब करीब हमारा रैप जो है ना वो लग सके. माशाल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है, जबरदस्त, वेरी एक्साइटेड. ताबिश वाला क्या मजाक है, आज तुम जो है ना मार्केट्स पे हो जाओगे. क्या हो तुम, तुम्हें पता है डार्क ग्रे मैट क्रोम है. अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक है, इसे मजे में होंगे. वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग बॉयज. फाइनली आज वो दिन है कि हमारी मार्क एक्स उर्फ रूडी होने जा रही है सैटन ग्रे में रैप. आपका भाई इज अ वेरी वेरी एक्साइटेड, पर्सनली आई एम वेरी एक्साइटेड. सारे डार्क कलर्स मार्क एक्स के ऊपर सूट करते हैं. आज मौसम का कोई दीन ईमान नहीं लग रहा, कोई पता नहीं कब बारिश हो जाए, तो हमें बड़ा देख दाग के जो है ना रैप आज हर हाल में करवाना है. एंड लेट्स होप सो बाय द एंड ऑफ दिस व्लॉग आप एक पप्पू और बम्बू मार्क एक्स देख पाए. पप्पू नो मोर इंशाल्लाह, बम्बू मार्क एक्स कमिंग. बम्बू लगेगी अब इंशाल्लाह मार्क एक्स हमारी. एनीवेज लेट्स स्टार्ट द व्लॉग. अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एक दफा देख लें, सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें. लेट्स स्टार्ट द व्लॉग और चलते हैं सीधा वर्कशॉप. गाड़ी थोड़ी थोड़ी हमने ऊंची करवा ली है क्योंकि अभी गाड़ी का काफी सारा काम रहता है. गाड़ी की सैंडिंग हो रही है अच्छी तरह, गाड़ी की जो बेस है उसको परफेक्टली तैयार कर रहे हैं ताकि कल को, क्योंकि जब भी ये पेंट, ऑब्वियसली हमने पेंट तो कभी ना कभी करनी है, एक ही दफा इसको यहाँ से वर्कशॉप से लेके निकलेंगे और जब रैप उतारेंगे तो ये आएगी और पेंट होगी. बस हमारी जो ख्वारी है ना बाद वाली वो बच जाएगी, और आगे सख्त गर्मियाँ आ रही हैं तो आपको पता ही है, उस ख्वारी से बचने के लिए ये सारा काम आपका भाई अभी करवा रहा है. आज के दिन अनफॉर्चुनेटली रैप नहीं हो पाएगा, ये आपके लिए भी उतना ही शॉकिंग है जितना मेरे लिए है, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है आपने, आज के ब्लॉग में हम गाड़ी रैप कर लेंगे. अभी इसकी सैंडिंग होगी, उसके बाद इस गाड़ी के ऊपर लगना है अस्तर. यार पेंट ही करा लेते हैं, मैं तो कहता हूँ साले तू. गाड़ी चूंकि हमारी अस्तर हो चुकी है कंप्लीट, तो अजहर भाई हमारी हेल्प करेंगे गाड़ी को कंप्लीट पैक करने में. फाइनली तो बॉयज अपडेट ये है कि इस वक्त अगला दिन शुरू हो चुका है और अभी तक गाड़ी हमारी रैप नहीं हुई. कल से व्लॉग स्टार्ट किया हुआ है लेकिन गाड़ी अभी तक रैप नहीं हुई. उम्मीद है कि आज रैप हो जाएगी. रिजवान एंड टीम का वेट कर रहे हैं हम, वो आए और इस गाड़ी पर काम स्टार्ट करे जो कि इस वक्त अस्तर और नार्डो ग्रे वाला मंजर खैर पेश कर रही है. ये गाड़ी आप खुद ही देख सकते हो, अगर इसको इसकी टोन थोड़ी सी डार्क कर देना तो ये नार्डो ग्रे लगेगी. एनीवेज मौसम की सूरत हाल भी कुछ 50-50 चल रही है, कोई पता नहीं कब बारिश आ जाए, तो हमने अपनी गाड़ी आज इंशाल्लाह रैप करवानी है क्योंकि कल पूरा दिन मैंने व्लॉग नहीं किया. मेरी पूरी कोशिश थी गाड़ी पैक हो और मैं वर्कशॉप से लेकर निकल जाऊँ. इसको छोटी छोटी चीज़ें थी जो इसकी गाड़ी की हमने पैक करते करते हमें बहुत देर लग गई थी. मैंने एक्सपेक्ट ये किया था कि मैं शाम 4-5 बजे चला जाऊँगा, लेकिन सुबह मैं तकरीबन 12-1 बजे वर्कशॉप गया था आपके सामने, लेकिन मैं वापस जो है 9 बजे घर पहुँचा था. तो द पॉइंट इज़ के काफ़ी मेहनत वाला काम था कल पूरा दिन, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी हमारे पास है और अब रैप के लिए रेडी है. रिजवान भाई और उनकी टीम का वेट कर रहे हैं. रिजवान भाई और उनकी टीम का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो आते हैं तो अपना रैप का काम स्टार्ट करवाते हैं. चलो आज गली के बाहर खड़े हुए थे, उनको घर नहीं मिल रहा था. यार कैसी हरकत है. बिस्मिल्लाह करें, शुरू करें. नाडो ग्रे लग रही है ना, पूरा फौजियों ने हमें नाडो ग्रे बनाया. हर फौजी से भाई बात हो रही है. यार चाय चेक करो इसकी. ये बड़ा जबरदस्त लगेगा इंशाल्लाह. My hopes are very high. Boys, इस दफा ट्रांसिशन के आइडिया सोच रहे हैं रिजवान भाई और जाहिद भाई. जाहिद भाई कह रहे हैं कोई अंग्रेज का क्या था? वो छोटे-छोटे पीस करके वो फेंकता है. जैसे जिस चीज पे फेंकेगा वो उसका कलर चेंज हो जाएगा. मेरे हिसाब से तो वो बेस्ट है, अगर आप क्या आपकी मर्जी. ये जाहिद भाई का आइडिया है, उन्होंने कहीं टिकटॉक पे देखा था, वो कह रहे हैं मैंने तो यही करना, तो मैं कह रहा हूँ आप ये करो, मैं अपने लिए सोच लेता हूँ कुछ. तो अभी आइडिया सोच रहे हैं, क्या आइडिया सोच रहे हैं ट्रांसिशन के लिए, कोई इंस्टाग्राम के लिए. यार अगर आपने फॉलो नहीं किया आप कर लें, बाय द वे एंड फॉर टिकटॉक टू.
बॉयज इस दफा हम जो है ना असल टेनिस बॉल के ऊपर दिखाएं ना असल टेनिस बॉल के ऊपर शार्टिंग ग्रे रैप करने लगे हैं। देखते हैं ये बॉल कैसी लगती है, जस्ट फॉर ट्रांसिशन सेक। ट्रांसिशन बन जाएगी अच्छी यार, बैट मारेंगे बॉल, आई मीन बॉल मारेंगे बैट नहीं, फिर देखते हैं क्या बनता है। यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, काट दो, एक्स्ट्रा हो जाएगा वरना। ओ ये तो वो बन गया है, वो लॉलीपॉप। रिजवान भाई ने बॉल रैप कर दी थी, ये भाई को कुछ ज़्यादा ही परफेक्शन चाहिए थी। कितनी प्यारी लग रही है बॉल। तो आपने अगर कोई क्रिकेट बॉल भी रैप करवाना तो इनके पास आप रब्ता कर सकते हैं। ये एक घंटे से हम सिर्फ और सिर्फ ट्रांसिशन जो है ना वो ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। वाइज एज यू गाइज कैन सी सैटन ग्रे टेनिस बॉल ज़बरदस्त लग रही है यार, मज़ा आएगा। वो अभी नहीं हुई रैप, अभी रैप नहीं हुई। ये अगर आप ऐसी ट्रांसिशन देखना चाहते हो तो डू फॉलो मी ऑन इंस्टा एंड टिकटॉक पे करना तो कर ले। ओ चल अजीब बंदा यार, वाइड बॉल कराई जा रहा है। आजा आजा यार, जाहिर भैया मुझे क्या कर रहे हैं। माशाल्लाह बॉयज की स्पीड बहुत तेज है, कुछ ही देर में काफ़ी गाड़ी इन्होंने निपटा दी है। लेफ्ट साइड राइट साइड गाड़ी की तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, तो गाड़ी वैसे बड़ी ज़बरदस्त लग रही है, लेकिन इन फर्स्ट लुक गाड़ी ब्लैक ही लग रही है, मैट ब्लैक ही लग रही है। कुछ अगर रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़े ना, जैसे अब ये देखो आपको फेंडर ब्लैक लग रहा है और दरवाज़ा ग्रे लग रहा है, तो ये सीन है कि दूर से जब रोशनी बहुत पड़ेगी तब ये ग्रे सैटिन ग्रे लगेगा, वरना ब्लैक ही लगता है ये। और छत का हम 50-50 था कि हम पियानो ब्लैक करें छत या फिर इसी कलर की करें, तो अभी रिजवान भाई कह रहे हैं कि इसी कलर की करो और मैं भी यही सोचा हूँ कि इसी कलर की करते हैं, बाद में अगर अच्छी ना लगी तो पियानो ब्लैक कर लेंगे, ये बेस्ट लगेगा। अभी बॉयज वी आर ऑफ टू ईट बिरयानी, बिरयानी खाएंगे जियानी। सब पे खाना चल, तूने खाना है ना जो मर्जी, उल्लू के पट्टे महंगा। मैं ओए तू गालियां देता है? नहीं मैंने थोड़ी दी। उल्लू का पट्टा क्या होता है? बदतमीज। उल्लू का पट्टा होता है उल्लू का खाना। ये क्या कर रही है? किची किची किची। ये मॉडिफाई कराई है बाबा मॉडिफाई करवाई है हमने, ये बाबे ने मॉडिफाई कराई है। तो मॉडिफाई कराया वैसे ये कुछ भी नहीं ठीक है। ए भी 100-100 की लग गई, नहीं लगता तेरे से छक्का। जरूरी बात ये है कि आगे आ रहा है रमजान, माह रमजान, बरकतों रहमतों वाला महीना, तो उसमें आपके भाई के व्लॉग्स में इस दफ़ा रमज़ान में शायद वीडियो में थोड़ी सी क्वालिटी भी कम हो, ये मैं एडवांस में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आई विल नॉट स्पेंड माय टाइम ऑन एडिटिंग, आई विल ट्राई टू स्पेंड मोर टाइम नमाज परहेज थोड़ा सा करने की कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ी सी ज़्यादा सवाब हमें भी मिल जाए, थोड़ी सी नेकियाँ हम भी कमा लें। और एडिटिंग पे बहुत टाइम लगता है आपके भाई, एक तो गाने नहीं होंगे, उसके अलावा एडिटिंग बहुत ही बेसिक सी होगी, बड़ा रॉ आपको फील आएगी और बड़े डिफरेंट वाइब होगी, इतनी भी गंदी एडिटिंग नहीं करेगा आपका भाई, लेकिन बड़ी एक रॉ फीलिंग आएगी आपको मेरे व्लॉग से रमज़ान में। बाकी ईद के बाद इंशाल्लाह दोबारा बैक टू ट्रैक आ जाएंगे, लेकिन रमज़ान में यू हैव टू बेयर विद मी। ओके इन्जॉय करेंगे दोनों। तो वो इस अपडेट ये है कि रात हो गई है, अच्छा 6:30 बज चुके हैं और गाड़ी स्टिल अभी तक हो रही है, बहुत कम काम रह गया, छोटा मोटा काम रह गया, जैसे कि अब हेडलाइट स्मोक करनी है, बैक टेल लाइट स्मोक करनी है, उसके अलावा स्पॉइलर लगाना है, लोगो लगाना है, इस तरह के छोटे काम रह गए, बाकी एवरीथिंग इज़ गुड। कार इज़ लुकिंग अमेजिंग माशाल्लाह, बहुत फिट लग रही है, और मैं सोचा था दिन के टाइम ये ग्रे लगेगी, लेकिन ये रात के टाइम ज़्यादा ग्रे लग रही है मुझे, पता नहीं शायद ज़्यादा देर हो गया इसको देखते देखते, शायद इसलिए आंखों का धोखा है, पता नहीं क्या है, लेकिन anyways द कार इज़ लुकिंग वेरी गुड। मैं बड़ा डाउटफुल था इस बात पे कि मैट कलर जो है
रूडी के ऊपर नहीं उठेगा, मार्केक्स के ऊपर नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन इट इज़ लुकिंग वेरी वेरी नाइस, मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा अच्छा लग ही रहा है। उस सब के अलावा किट्स आज नहीं लगेंगी, इस तरह के छोटे मोटे काम नहीं होंगे आज, वो काम हम कल ड्यू रखेंगे, लेकिन गाड़ी आज हमारी पूरी पैक हो जाएगी किट्स को छोड़ के, स्पॉयलर भी हम लगा लेंगे खुद ही, किट्स आज नहीं लगेंगी। किट्स जो है वो वर्कशॉप पड़ी हैं, उनकी भी बेस तैयार होनी थी कल, वो नहीं हो पाई, तो हम वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कल के ब्लॉग में आपको दिखाएंगे। बाकी एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी नाइस, अभी गाड़ी कम्प्लीट हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। मुझे ज़ाती तौर पे ये रैप बहुत अच्छा लगा है, अब तक का सबसे क्लासिक सबसे डेडली रैप जो हुआ है वो इस दफ़ा हमने करवाया है मार्केक्स और रूडी के ऊपर। मुझे बहुत खूबसूरत लग रही है गाड़ी, बहुत डेडली लग रही है, देखो दूर से देखने से कैसी एक अलग वाइब में है गाड़ी, मतलब अलग एक डार्क वाइब में, जैसे सिर्फ गाड़ी के ऊपर एक ब्लैक एंड वाइट फिल्टर किसी ने लगा दिया हो, ऐसी लग रही है गाड़ी। तो कहने का मकसद ये है कि गाड़ी बहुत खूबसूरत लग रही है, आपको कैसी लग रही है मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और माशाल्लाह बोलना मत भूलिएगा। आई होप सो आपको ये गाड़ी पसंद आई हो, आज का व्लॉग पसंद आया हो, पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मोर देन 40% ऑफ यू पीपल आर वॉचिंग माई वीडियोज़ फॉर फ्री, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, आजकल मुफ्त में मिलता है क्या भाई, कुछ भी नहीं मिलता, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भाई को याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। चलो यार शुरू कर लो अब आप काम, देख लें अगर क्यों आखिरी ख्वाहिश और भी है तो वो भी पूरी कर लेते हैं। नहीं नहीं करें करें यार, बहुत देर लगा दी है हमने सेट ट्रांजिशन बनाने में। क्या बात है यार, क्या बात है, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, जो नहीं उतरा था यार, ये हरकत कर गई है ना उसमें भी, दोनों तरफ से मार के ही हो जाएगा के लिए, मैं वैसे दिखा रहा हूं। वही कलर है, क्यों इसमें क्या लग रहा है, ब्लैक लग रहा है, ब्लैक लग रहा है, दूर से देख अच्छा कलर है ऐसे, ब्लैक असल में साइड में लग रहा है, अब नीचे देख अब तुझे वो ब्लैक नहीं लगेगा। चल मोड़ ले, सत्तू बदले से मोड़ेगा अब। अय्या अय्या।